हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गैस्कोल अलॉयज के ऊपर। तो ये एक पेनी स्टॉक है, तो सबसे पहले तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिए, जो पेनी स्टॉक में आप जितना भी इन्वेस्ट करते हैं वो पूरा का पूरा रिस्क पे रहता है। तो आप लोग उतना ही कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे जितना कि आप पूरा रिस्क लेने के लिए कैपेबल हैं, या उतना पैसा चला जाने से आपको जो है कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है। तो इसलिए जो है अपने कैपेसिटी के ऊपर मत जाके इन्वेस्ट कीजिएगा। पहले मैं एनालिसिस आप लोगों को बता देता हूं, उसके बाद जो है खुद से एनालिसिस करके देखिएगा जो आपको इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, और करना भी होगा तो फिर जो है अपने कुछ ही पोर्शन को यहाँ पे इन्वेस्ट कीजिएगा, क्योंकि पेनी स्टॉक जो है हमेशा आपको हाई रिस्क कैटेगरी में आता है। यहाँ पे जो है आपका कैपिटल पूरा का पूरा भी जा सकता 3 टाइम 4 टाइम 30 टाइम 40 टाइम, वो मार्केट के ऊपर में जो है आपको कितना रिटर्न दे सकता है। तो लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक अपडेट है, इससे पहले हम लोगों ने लॉयड स्टील को पकड़ा था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो इंड स्क्रीन पे मैं लिंक दे दूंगा, आप लोग जरूर देख लेना, जिससे कि आपको आइडिया हो जाएगा जो कैसे चीजें काम करती है। इस कैंडल पे, इस ब्रेकआउट कैंडल पे हम लोगों ने लॉयड स्टील को आपको यहाँ पे कैच किया था। इससे पहले भी हम लोगों ने किया था, लेकिन वहाँ पे उस टाइम में भी मैंने आपको क्लियरली बताया था जब तक इस रेंज को ब्रेक नहीं करता है यहाँ पे जो ट्रेड नहीं लेना है। लेकिन उसके बाद आपको ब्रेकआउट किया था काफी दिनों के बाद, आपको ऑलमोस्ट 2 मंथ के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट आया था, और अगर उस रेंज से देखेंगे तो आपको मोर देन 400% का रिटर्न जो है इस स्टॉक में ऑलरेडी मिल चुका है। और अभी अगर इस वीक में भी देखेंगे तो करंट फिर से फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है, अभी जो है स्टॉक और आपको ऊपर जा सकता है। तो ये आपको अपडेट था लॉयड स्टील के बारे में। और जितने भी लोगों ने इस स्टॉक में आपको इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, तो एटलीस्ट जो है अपना प्रॉफिट बुकिंग एक बार के लिए जरूर कर ले। उसके बाद जो है रेस्ट अमाउंट को आप लोग यहाँ पे छोड़ सकते हैं, क्योंकि अगर जिन लोगों ने भी यहाँ पे 4 to 5 रुपीज पे लिया होगा, अगर वो अपना 1 पोर्शन भी, आपको 1/4 पोर्शन भी यहाँ पे अगर प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, तो उनका कैपिटल जो है आराम से निकल जाएगा और रेस्ट अमाउंट को जो है वो लोग छोड़ सकते हैं वहाँ पे और ज़्यादा प्रॉफिट के लिए। तो चलिए अब हम लोग वापस आते हैं आपको गैस्कोल अलॉयज पे। सबसे पहले थोड़ा बहुत इसके बारे में जान ले, जो ये आपको जो कंपनी है ये आपको माइल्ड स्टील और स्टेनलेस स्टील का ट्यूब बनाती है और स्क्रैप से बनाती है। इस चीज के बिजनेस में ये कंपनी इन्वॉल्व है और बहुत ही माइक्रो कैप कंपनी है। 69 करोड़ का जो है आपको इसका मार्केट कैप है, तो बहुत ही आपको माइक्रो कैप कंपनी है। अब इस स्टॉक को सेलेक्ट करने का हम लोगों का रीजन क्या था, जो अगर इस स्टॉक में आप देखेंगे तो अपने 52 वीक हाई पे ट्रेंड कर रहा है, और साथ ही यहाँ पे अगर प्राइस एक्शन हम लोग पढ़ने का कोशिश अगर करते हैं, तो कंटिन्यू जो है स्टॉक आपको एक रेंज में ट्रेड कर रहा था काफी दिनों से। जुलाई के मंथ से जो है आपको एक रेंज में यहाँ पे आपको ट्रेड कर रहा था। ऊपर की साइड अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे आपको 3.85 का रेंज था, और नीचे की साइड जो है आपको 1.9 का रेंज था। इस रेंज में जो है आपको जुलाई मंथ से ये स्टॉक यहाँ पे ट्रेड कर रहा था, और फाइनली इस वीक में जो है यहाँ पे आपको एक काफी अच्छा यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, और ये लेवल जो है आपको काफी दिनों के बाद आया है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जुलाई 2019 में जो है आपको ये लेवल क्रॉस किया था, उससे उसके ऊपर ट्रेड कर रहा था। तो ऑलमोस्ट 2 ईयर के बाद जो है आपको ये लेवल क्रॉस किया है, तो एक जो है अब हम लोग अच्छा यहाँ पे एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, जो एक अच्छा लेवल यहाँ पे आ सकता है। तो यहाँ पे जो है हम लोग आपको कुछ अमाउंट अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो आपको वो क्विक प्रॉफिट भी दे सकता है। स्टॉप लॉस हम लोगों का क्या होने वाला है, तो 1.9 जहां पे आपको इस रेंज का लोअर बैंड है 1.9, वही हम लोगों का स्टॉप लॉस होने वाला है। उसके नीचे स्टॉक अगर जाएगा तो फिर हम लोग एग्जिट कर जाएंगे। एंट्री हम लोग करेंट मार्केट प्राइस पे यहां पे कर सकते हैं, इसी लेवल पे जो है हम लोग एंट्री कर सकते हैं अगर एंट्री मिलेगा तो, क्योंकि लास्ट कई दिनों से ये स्टॉक जो है कंटिन्यू आपको सर्किट में चल रहा है, अपर सर्किट में है। पहला टारगेट जो है हम लोगों का क्या होने वाला है, फर्स्ट टारगेट जो है हम लोग यहाँ पे आपको 10 रुपीज के अराउंड जो है आपको यहाँ पे जो है हम लोग फर्स्ट टाइम प्रॉफिट बुकिंग के लिए देखेंगे 10 रुपीज 10.50 पैसे। इस रेंज में जो है एक बार के लिए स्टॉक जो है आपको स्ट्रगल कर सकता है, और उसके बाद निकलेगा तो फिर आपको 15 to 20 रुपीज जो है नेक्स्ट असिस्टेंस वहाँ पे हम लोगों को मिल सकता है। तो इसलिए जो है इस स्टॉक में जो लोग भी यहाँ पे आपको एंट्री करेंगे, आपका स्टॉप लॉस होने वाला है 1.88 का,
तो 2.60 रुपीज का आपका स्टॉप लॉस होने वाला है। टारगेट जो है आपको पहला टारगेट 10 रुपीज का होने वाला है। यहाँ पे जो है एटलीस्ट अपना इन्वेस्टमेंट को आप लोग वहां से हटा लीजिए, रेस्ट जो अमाउंट होगा या रेस्ट जो आपको नंबर ऑफ शेयर्स होंगे उनको जो है आप छोड़ सकते हैं बड़े ट्रेड के लिए, क्योंकि अगर ये स्टॉक एक बार 15 के लेवल को क्रॉस कर जाता है तो इस लेवल पे इसका ऑल टाइम हाई है। 15 के लेवल को क्रॉस करने के बाद जो है इस स्टॉक में आपको और ऊपर की साइड एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। फिर ये स्टॉक आपको 20, 30, 50 आगे डिपेंड करेगा, जो आपको कहाँ तक लेके जा सकता है वो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन सबसे पहले अगर यहाँ पे हम लोग एंट्री कर रहे हैं 4.40 रुपीज 50 पैसा पे अगर एंट्री कर रहे हैं तो 10 रुपीज पे आप जो है जरूर एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए, क्योंकि वहां तक भी आपका जो है पैसा ऑलरेडी डबल हो चुका होगा। तो एक बार अगर अपना आप प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे तो रेस्ट क्वांटिटी को आप आगे के लिए होल्ड कर सकते हैं। वहां पे आपका रिस्क क्या होने वाला है तो 1.88, ये जो है 1.8 जो है आप अपना स्टॉप लॉस मान के चलिए। जो 1.80 रुपीज के नीचे अगर ये स्टॉक ट्रेड करने लगा तो हम जो है वहां पे फिर एग्जिट कर जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों ने लेवल्स को नोट डाउन कर लिया होगा। और सबसे पहली बात, ये प्योर टेक्निकल कॉल है, यहाँ पे मैं कुछ भी फंडामेंटली डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। तो आप लोग इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपना जो भी रिसर्च होगा वो जरूर एक बार कर ले। ये प्योर मैं टेक्निकल के बेसिस पे बोल रहा हूँ। जो यहाँ पे आपको एक अच्छा ब्रेकआउट आया है, 2 ईयर के बाद ये ब्रेकआउट आया है, और जो है आपको यहाँ पे रिस्क ज्यादा नहीं है। 2.6 पॉइंट का जो है आपको रिस्क है, 2.60 रुपीज का रिस्क है, और जो है रिवार्ड आपको यहाँ पे अनलिमिटेड मिल सकता है। पेनी स्टॉक में बहुत से लोग आपको इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड रहते हैं, लेकिन उसमें से अगर हम लोग कुछ टेक्निकल्स पे ध्यान देके इन्वेस्ट करेंगे तो हम लोग जो है एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे कर सकते हैं। जैसा कि हम लोगों ने लॉयड स्टील में किया है, GTL इंफ्रा में जो है जैसा कि हम लोगों ने किया है, वहां पे भी आपको कंटिन्यू सर्किट लग रहा है। इससे पहले रेणुका सुगर में किया हुआ था, उससे पहले BPL में भी हम लोगों ने किया हुआ था। तो इन सभी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन एक बार जब लेवल्स आना स्टार्ट हो जाए, आप जब प्रॉफिट में आ जाए, तो अपने इन्वेस्टमेंट को जरूर यहाँ पे जो है बुक करने के लिए देखना। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों ने लेवल्स को नोट डाउन कर लिया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।